जो डबल वायर वाला थ्रॉटल है ये भी काफ़ी अच्छा है। माफ कीजिएगा कोरोना पेशेंट। सो ही गाइस, ये रही FZ25 और FZ25 देसी लैंग्वेज में। सो अभी मैं इसकी राइड पे गया था और इसका सीटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है और इसकी सीट काफ़ी वाइड है। और जो FZ सीरीज़ है ये कंप्यूटर सीरीज़ है और जो इसकी परफॉर्मेंस सीरीज़ है वो MT है। MT3 तो पता नहीं अभी इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं। और टायर इसमें 140 सेक्शन का रियर टायर है और 100 का फ्रंट टायर है। सो जो पहले FZ आती थी उसमें शायद 150 का टायर आता था, वो काफ़ी अच्छा लगता था, बट उसमें दिक्कत ये थी कि वो पंचर बहुत ज़्यादा होता था। टायर वैसे कम्यूटिंग के लिए तो ठीक है, बट जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे ये टायर थोड़ा सा गिव अप कर देता है। सो टायर इज़ अ लिटिल बिट डाउन फ्रॉम माई साइड। और इंजन इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड है। और जैसे कि पता ही आपको, इंजन के मामले में यामा और होंडा से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है। फोटोज़ और वीडियोस में बाइक इतनी अपीलिंग नहीं लगती है, पर जब आप इसे इन पर्सन में देखते हो तो बाइक बहुत अच्छी है, बाइक बहुत अपीलिंग है। और इसका टैंक वैसे नॉर्मल लगता है, बट जब जैसे ही आप इस पर बैठते हो, टैंक बहुत बड़ा है इसका, काइंड ऑफ CB 1000 वाली फील दे देता है। और मेरी हाइट है अराउंड 5'9", सो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एज अ कम्यूटर बाइक इस बाइक का जो स्टांस है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जो मेरे लिए परफेक्ट जो स्टांस रहेगा वो रहेगा कोई हाफ इंच जो हैंडल वाला राइजर लगा के जो सिचुएशन आएगी, जो स्टांस बनेगा वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये जो मॉडल है ये BS4 मॉडल है, इसमें रेब लिमिटर नहीं है, ये भी एक डाउनसाइड है मेरी तरफ से। और जो इसके बटन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका डबल वायर वाला थ्रॉटल है ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और ये जो फोक्स हैं इसके, ये वही ट्रेडिशनल वाले फोक्स हैं जो FZ में स्टार्टिंग से आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। अपसाइड डाउन बेटर हो सकता था, बट इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है एज अ परफॉर्मेंस वाइज। ये जो इसका एग्जॉस्ट है, ये जो इसकी बैंड पाइप है, ये काफ़ी एक्सपोज रहती है मड और कीचड़ के लिए, सो बहुत जल्दी ये गंदी हो जाती है। सो ये थोड़ा साइड से हो सकती थी, बट
इट्स जस्ट माई ओपिनियन, नथिंग सीरियस। और रही बात गेयरबॉक्स की, गेयरबॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है इसका, बट इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें ओनली 5 गियर है, जो मेरे को लगा हाईवे पे कि इस पे 6 गियर होने चाहिए थे। सो यही सेम रीज़न है कि इसी वजह से ये अपने कंपटीटर से कम प्राइस पे है, जैसे कि KTM 250 और डोमिनार 250, उन सभी में 6 गियर हैं बट इसमें 5 गियर है। एंड रही बात इसके इंजन की, इंजन है इसमें सिंगल सिलेंडर जो कि ऑयल कूल्ड है विद कैपेसिटी ऑफ 249 cc। एंड हीट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है इसमें, लाइक इसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला, जैसे कि ड्यूक 390 में प्रॉब्लम है हीट मैनेजमेंट की। माइलेज काफ़ी अच्छी है इसकी, 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको ईजीली एवरेज दे देगी। सो अगर आप बाइक देख रहे हो ऑफिस कम्यूट के लिए या कॉलेज कम्यूट के लिए और आपको ज़्यादा फ्लैशी और फंकी सा लुक पसंद नहीं है, सो देन दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। FC25 एंड जिक्सर 25 ये दोनों ही काफ़ी अंडररेटेड है इस सेगमेंट में, क्योंकि इन दोनों बाइक्स के पीछे वो हाइप नहीं है जो KTM के पीछे है। सो अपने जो नए राइडर हैं वो KTM ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि हाँ भाई दिखना चाहिए, सामने वाले मोड से भी आ रहा है, क्योंकि KTM के कलर जैसे ऑरेंज रहते हैं तो काइंड ऑफ पता चल ही जाता है कि हाँ KTM आ रही है सामने से। सो ये एक थोड़ा सा इशू है, और बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नो ऑफेंस एट ऑल। कईयों को फ्लैशी लुक पसंद आता है, कईयों को सटल डिज़ाइन पसंद आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जिन लोगों को पिलियन राइडर के साथ कम्यूट करना पड़ता है या ट्रैवल करना पड़ता है, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सीट्स इसकी काफ़ी वाइड हैं और काफ़ी कुशनी भी है एंड कंफर्टेबल भी है, और टूरिंग के लिए भी ये एक नंबर बाइक है। और रही बात अपने परफॉर्मेंस एंथुजियास्टिक लोगों के लिए, इस बाइक में यूज़ करा हमने लिक्विड मॉली 10W40 स्ट्रीट, जो कि सेमी सिंथेटिक ऑयल है विच इज़ मेड इन जर्मनी। लिक्विड मॉली जो परफॉर्मेंस इंजन ऑयल बनाती है, सो इसी ऑयल के साथ हमने इसकी टॉप स्पीड निकाली जो कि 129 थी आफ्टर सर्विस, जो कि एक शॉर्ट रन में अचीव की गई। सो इट्स अ गुड डील, एंड एज आई सेड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बाइक इन द मार्केट राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस।